एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन सीरीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक महीने में ख़त्म करेंगे. ओके, सो टुडे वी आर रिवाइजिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, तो इस एक्ट से क्या क्या चेंजेस आए थे इंडिया में, कैसे ब्रिटिश राज एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया था इंडिया में, कैसे वो इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स थे वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया था, वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. ओके, तो अनअकैडमी आपके लिए प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है. दिस इज़ एन अलार्म जिससे आप अभी भी जाग सकते हैं. आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो अगर आप अभी कोड सिंपल YT यूज़ करते हैं, SIMPLE YT, तो अभी आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा एंड यू कैन जस्ट टोटली गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो गेट इट विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%. दिस इज़ एन अकेडमी एस्पायर प्रोग्राम. दिस इज़ एन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. ठीक है, ये हर मतलब हर महीने की 10th और 25th को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और जो पेपर का पैटर्न होगा वो प्रिलिम्स पेपर 1 GS जैसा ही होगा. फाइन, एंड ऑल दोज हु वुड बी एबल टू लाइक who would be able to maintain the place under top 50, they would get exciting prizes and scholarships from an academy. And the test would be going to be held on 25th of October at 10 a.m. sharp. So go and enroll for it. An academy doesn't keep any language barrier, so for that an academy brings you 3 different kinds of courses. जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के बैचेज हैं, हिंदी के कोर्सेज हैं, उनको सारी चीज़ें, जितना भी मटीरियल है, जितने भी ऑल द थिंग्स, जितनी भी अध्ययन सामग्री है, वो सब उनको हिंदी में ही दी जाएगी. एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दे कैन टोटली गो फॉर द इंग्लिश बैचेस. ओके, ऑल द मटेरियल एंड द एजुकेटर्स, दे वुड टीच यू इन इंग्लिश एंड द टेस्ट सीरीज वुड बी, द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट सीरीज वुड बी इंग्लिश. लाइक एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है, जो हिंदी में भी समझ जाते हैं और इंग्लिश में भी समझ जाते हैं, उनके लिए बायलिंगुअल कोर्सेज भी अरेंज किए गए हैं. Fine, these courses have started from 5th of October, so you can just get the subscription and attend the classes. So, with one subscription on an academy, you are getting unlimited benefits. Like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, ये an academy की सबसे खास बात है कि civil service aspirants को जितने भी educators की ज़रूरत है, जितने भी टॉप एजुकेटर्स की ज़रूरत है, वो सब उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जो कि उनके एंटायर सिलेबस को कवर कराएंगे. ऑल्सो देयर वुड बी डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से आप और अच्छे से ग्रेड अप कर पाएंगे. फाइन, इट्स नॉट always about learning. You also need to test that what you have learned. So for that there would be live test series जिनसे आप analyze कर पाएंगे कि आप कहाँ lie करते हैं. ठीक है, ये all India level पर एक test हुआ करेगा, आपको time to time ये test देना होगा and you can also judge कि आप किस position पर lie करते हैं. ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेक दैट प्रेशर कि आप जब असली में टेस्ट देने जाएंगे देन व्हाट वुड बी द प्रेशर, आप पूरी इंडिया के बच्चों से कॉम्पीट करेंगे. सो दिस टेस्ट वुड बी लाइक दैट ओनली. और जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो नॉट ओनली इन वीडियो फॉर्म बट ऑल्सो द PDF फॉर्मेट वुड बी अवेलेबल. सो ये जो एंटायर प्रोसेस है, ठीक है, इसके दौरान आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा. ठीक है, हर एक स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा जो कि आपको हेल्प करेंगे चीज़ें समझने में. अगर आपको किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी एजुकेटर के साथ कुछ इशू है, जैसे उनके पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी भी मटेरियल में आपको कुछ एड ऑन की ज़रूरत है या फिर आप लाइक यू वांट टू स्वैप एनीथिंग, ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए आप मतलब कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटोर के साथ. ठीक है, ही और शी वुड गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस एंड दे वुड ऑल्सो हेल्प यू टू मेक स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट विद द सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी. व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड सिंपल YT एंड दैट विल फेच यू 10% एक्स्ट्रा ऑफ.
दिस इज़ एन अकेडमीज चैम्पियंस कॉन्क्लेव. दिस इज़ बेसिकली अ सेशन बाय द टॉपर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस 2019, जो कि आपको इस सेशन में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या टिप्स या ट्रिक्स यूज़ की थी, जिसकी वजह से दे आर द वंस हु क्रैक्ड द एग्ज़ाम. ओके, तो ये कॉन्क्लेव जो है, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री टू अटेंड. ओके, इसमें आपको जितना भी गाइडेंस चाहिए, लाइक अदर देन सिलेबस, सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सिलेबस, यू नीड टू हैव अ फुल प्रूफ प्लान, अ स्ट्रैटेजी एज वेल. ठीक है, तो आपको वो जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से इन लोगों, ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आप उसमें से जो भी आपको बेस्ट सूट करे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यू कैन लाइक इंस्टॉल दैट इन योर डेली लाइफ, इन योर प्रेपरेशन. ओके, दिस सेशन बिगिंस फ्रॉम 10 AM टू 12 AM. सो T20 डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. 7:30 पे डेली शाम को 20 क्वेश्चन की 20 मिनट के लिए क्विज कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि 40 मार्क्स की होगी. और इसके एंड में आपको टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट भी दी जाएगी, जिसके बेसिस पर आप जज कर सकते हैं हाउ मच अपडेटेड यू आर. ठीक है, so there are the links that are given below, those will take you to our channel. You can just click on these links and reach out to our channel. YouTube, Telegram and Facebook पर हमारे channels available हैं, just click on the links and join us. So what we are studying, we are studying the regulating act of 1773. okay, तो इसमें जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो पहली चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई एज ट्रेडर्स, वो एज मर्चेंट्स आई थी. ठीक है, उन्होंने कैसे अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चाहते थे, वो अपना ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहते थे, वो दे वांटेड टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स. ठीक है, तो वो कैसे ट्रेडर्स से रूलर्स में कन्वर्ट हो गए, हमने ये देखा थ्रू सीरीज ऑफ वॉर्स. बैटल ऑफ प्लासी में हमने देखा कि कैसे उन्होंने दीवानी गेन कर ली थी पूरे बंगाल की, वो कैसे बंगाल से इंडिया, पूरे बंगाल से वो इंडिया में कैसे एंटर कर गए. ठीक है, हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा था, हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा कि कैसे उन्होंने साउथ का अनेक्सेशन किया, फिर हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा कि कैसे पूरा सेंट्रल इंडिया उनके कब्जे में आ गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमें ये समझ आया कि वो कैसे उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर के बेसिस पर पूरी इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब एक तरीके से वो पूरे इंडिया में रूल कर रहे थे अब, लेकिन ये सिर्फ कंपनी रूल कर रही थी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉजंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का अभी तक हमने कुछ भी रोल नहीं देखा है. अब जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल हो चुकी है, जब वो अपना रूल स्टैब्लिश कर चुकी है, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुए. अब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उसने ये देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ करप्शन है. ठीक है, जो अफेयर्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं किए जा रहे हैं, एंड दे नीडेड सम काइंड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, तो अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों आया, क्या था, वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जो क्योटिक सिचुएशन आई थी बंगाल में मिस गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है, जितनी भी वहाँ पे क्योस थे बंगाल में मिस गवर्नेंस की वजह से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एक बार, यू नो, दे हैड अ लुक अपॉन दिस. तो इसको उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए एक एक्ट निकाला, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, के आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जाके कर क्या रही है. और देखिए, कुछ ऐसा भी था कि देर वर ऑल्सो ग्रॉस माल प्रैक्टिस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो करप्शन था काफ़ी, कंपनी वॉज ऑलरेडी इन लॉस, इवन दो उन्होंने इंडिया से काफ़ी प्रॉफिट लिया. उनका जो 15 मिलियन का जो प्रॉफिट था, वो 30 मिलियन में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, और वो भी उस दौरान जब इंडिया में काफ़ी भयंकर स्टार्वेशन और बीमारियां फैल रही थी. ठीक है, बंगाल में, जो बंगाल फैमिन में हमने पढ़ी थी. ठीक है, तो ये सब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटेन गवर्नमेंट से एक लोन मांगा, ठीक है, जब उन्होंने लोन मांगा, उन्होंने बोला कि भाई कंपनी तो बैंकरप्सी के फॉर्म में,
ठीक है, तो उन्होंने लोन मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन गवर्नमेंट से। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा था इट शुड टेक अ स्टेप इनटू इंडियास लाइक पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, द ब्रिटेन पार्लियामेंट इट फाउंड इट नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो इसी को लेकर जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लाया गया। इट वॉज बेसिकली द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इनटू द अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अब बात नहीं हो रही, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो वहाँ ब्रिटेन की रानी है, ठीक है, जो ब्रिटेन में वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, उसकी अब एंट्री हो गई थी इंडिया के अफेयर्स में। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ डिफाइनिंग द पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो एक्ट था ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनके पास सारी टेरिटरीज अभी भी अंडर देयर पोजेशन ही थी, लेकिन जो चीज़ें हो रही थी, जितने भी यू नो ऑल द वॉर्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही थी उनको बस रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना हस्तक्षेप दिया यहाँ पे आके। ठीक है, तो अब रीजंस अगर हम पढ़े, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हैड आस्क्ड अ लोन ऑफ 1 million pounds फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1772। ठीक है, आप देख रहे हैं 1772 जब तक प्रॉफिट हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने जब एक तरीके से लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तब क्या हुआ, तब उन्होंने सोचा कि उनको इस मैटर में एक बार देखना चाहिए, दे मस्ट लुक इनटू दिस मैटर कि इंडिया में मतलब क्या हो रहा है। एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म वर रैम्पेंट अगेंस्ट कंपनीज ऑफिशियल। ठीक है, नेपोटिज्म और करप्शन काफ़ी ज़्यादा था। द टेरिबल फेमिन इन बंगाल, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था। ऑल दो उन्हें प्रॉफिट हुआ था लेकिन फिर भी उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। और जो बंगाल में जो फेमिन आई थी उसने ग्लोबली काफ़ी अफेक्ट किया था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे जो बंगाल की फेमिन थी वो कैसे उसने ग्लोबली पूरा इंडिया तो उस टाइम पे अफेक्टेड था ही। ठीक है, बंगाल था, असम था, उड़ीसा था, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबली उसके क्या इम्पैक्ट्स थे हमने वो भी पढ़े। ठीक है, तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव वाज कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉइंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये था कि जितने भी दीवानी राइट्स हैं वो सब के सब होंगे जो कंपनी है उसके पास। ठीक है, ऑप्टेंड इट वॉज दिस दीवानी राइट्स, मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल में सिराजुद्दौला थे तो उनके उनके द्वारा जो वॉर लीड किया गया था बैटल ऑफ प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने हराया बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को, जो नवाब थे वहाँ के, और उनको हराने के बाद जो जितने भी दीवानी राइट्स थे वो सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। और जितने भी निज़ामत या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर हम कह लें तो वो सारे रूलर्स उस जगह के या लोकल किंग्स थे। ठीक है, तो जितने भी जुडिशियल और पॉलिसिंग पार्ट्स थी वो सारी की सारी किंग्स के ही पास थी, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन का और जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये ड्यूअल सिस्टम था जो कि रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो लॉलेसनेस थी वो काफ़ी बढ़ गई थी बंगाल में, और साथ ही जो फार्मर्स और लोकल पीपल थे उन्होंने काफ़ी सफ़र किया था। देयर कंडीशन वॉज निगलेक्टेड, देयर प्लाइट वॉज निगलेक्टेड एंड द कंपनी ओनली इट वॉज ओनली कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू। हमने पहले भी पढ़ा था उनको बस ट्रेड प्रॉफिट्स चाहिए थे। ठीक है, इसकी वजह से बंगाल में काफ़ी लॉलेसनेस बढ़ गई थी। हमने ये देखा कि कैसे नेपोटिज्म और करप्शन बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, ऑल्सो द डिफीट ऑफ कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769। ठीक है, तो 1769 में जब हैदर अली से हार गई थी कंपनी, तो उनसे हारने के बाद कुछ टेरिटरीज वो लूज़ कर चुकी थी। ठीक है, और कुछ ट्रीटीज साइन हुई थी उसके साथ साथ। हैदर अली जो थे ही वॉज वन सच रूलर जो अपने पोर्ट से उन्होंने जो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जाती थी या फिर बिना टैक्स दिए हुए जाती थी, तो उन्होंने उनका ट्रेड को कहीं ना कहीं से हैम्पर किया था। ठीक है, तो हैदर अली वॉज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल, और उसमें भी हार हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स।
सो की फीचर्स ऑफ द एक्ट, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो देखिए, अब हम इसको अगर मैं आपको समझाऊँ कि इसके प्रोविजंस क्या क्या थे या फिर की फीचर्स कह लीजिए, तो इसमें क्या हुआ था, टेरिटोरियल पोजेशंस जो थे कंपनी के वो उनके पास अभी भी थे. ओके, द टेरिटोरियल पोजेशंस वर रिटेन्ड. ऐसा नहीं था कि उनसे कोई भी टेरिटरी ले ली थी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसमें एक तरीके से देखे उन्होंने इंटरफेयर किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन कंपनी के राइट्स नहीं लिए थे, कंपनी के जो पार्ट्स थी वो टेक ओवर नहीं की थी. ठीक है, दिस एक्ट वॉज जस्ट मेंट टू रेगुलेट द कंपनीज एक्टिविटीज. ठीक है, तो रेगुलेटिंग था क्योंकि पावर वॉज नॉट कम्प्लीटली टेकन ओवर. तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहली जो चीज़ हुई थी, जो गवर्नर जनरल थे, जो कैलकटा तो था उस टाइम पे बंगाल, ठीक है, बंगाल में जो गवर्नर जनरल था वहाँ पे एक मेन गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे वो मेन होते थे, उनके नीचे चार लोग और असिस्ट करते थे उनको, जो गवर्नर जनरल ऑफ कैलकटा थे उनको चार प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल असिस्ट करते थे. ठीक है, और वो चार प्रेसिडेंसी जैसे हम देखें कि एक गवर्नर जनरल बॉम्बे के होते थे, एक गवर्नर जनरल मद्रास के होते थे. ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे पहले, वो सारे इक्वल लेवल पे थे. अब क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ कैलकटा है उनको मेन गवर्नर जनरल बना दिया था, और उनके नीचे कौन काम करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास. ठीक है, अब ऐसा था कि जैसे कि पहले जो कोने कोने में लड़ाई हो रही थी इंडिया की, कि जो बॉम्बे के गवर्नर जनरल है उन्होंने बॉम्बे की साइड पे ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स बॉम्बे के साइड पे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल है ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट द टेरिटरीज विच आर इन द ऑर्बिट ऑफ मद्रास. ठीक है, तो ऐसा नहीं था. अब जो भी वॉर्स होंगे उसमें कैलकटा के जो गवर्नर जनरल थे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके अप्रूवल की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो ऐसा था. तो ये जो पूरी काउंसिल थी इसको हम गवर्नर जनरल काउंसिल बोलते थे उस टाइम पे. द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये मैंने आपको बता दिया. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा 1774 विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस. ठीक है, तो अब पहली चीज़, अब जो पहला सिस्टम, अब सी यहाँ से एक सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ऑल्दो वो सिस्टम में इंडियंस थे या नहीं थे वो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये बात है कि कैसे सिस्टम एक डेवलप हो रहा है. जैसे ब्रिटिश में लाइक जब ब्रिटिश पार्लियामेंट वो जो वहाँ पे जैसे रूल करती थी, जैसे ब्रिटेन में उस टाइम पे जो भी सिस्टम्स थे, जो भी पॉलिसीज थी, उनको कैसे कैसे इंडिया में उनको किस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके या इंडिया को कैसे उस चीज़ की ज़रूरत है वो सब किया जा रहा था यहाँ पे. ठीक है, तो हमने ये देखा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के. तो अब देखिए जो गवर्नर जनरल थे ना, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उनके रिगार्डिंग कुछ देर आर सम पॉइंट्स लाइक ही वॉज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड ऑल्सो 1/4 ऑफ देम हैव टू बी रिटायर्ड एवरी ईयर. हर साल में 1/4 जो वो कंपनी की जो भी क्या बोलते हैं जो कंपनी का नंबर होता था, ठीक है, जितने भी लोग उसमें होते थे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी, उसमें से जो 1/4 जो नंबर ऑफ पीपल 1/4 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी रिटायर्ड एवरी ईयर एंड दे ऑल्सो कैन नॉट बी री इलेक्टेड. अब इसके अलावा जो एक मेन फीचर ये था कि जो डायरेक्टर थे उनको जितनी भी रेवेन्यू से रिलेटेड या सिविल या मिलिट्री से रिलेटेड मैटर्स की इंफॉर्मेशन होती थी या फिर रिपोर्ट मिलती थी तो वो उन्हें पब्लिक करनी पड़ती थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी. ठीक है, ऑल द करस्पॉन्डेंस ऑन रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स दे हैव टू मेक इट पब्लिक. इसमें ये था कि वो पहले इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर की जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से शेयर करने से पहले वो इंडियन अथॉरिटीज़ से शेयर की जाएगी. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अब आ गया, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस होता था. तो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो उसमें सर एलिजे इम्पे,
ठीक है, सर एलिजे इम्पी नाम के एक शख्स थे एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, इंग्लैंड से लाए गए जज थे वो. ओके, जो कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये इंडियंस के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. ठीक है, जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया जाता था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, कि ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी क्रिमिनल या सिविल ज्यूरिस्डिक्शन से दूर ना रहे. ऑल्सो वहाँ पे करप्शन या बाकी जो चार्जेस उनके ऊपर लगते थे वो वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाए. फाइन, तो इट वॉज लाइक स्टैब्लिश्ड इन कैलकटा इन 1774. इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंस ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स. ठीक है, तो ऐसा था कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, जो भी ऑफिशियल्स थे, अब उनके लिए एक इस तरीके से उनके ऊपर रेगुलेशन लग गया था कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और प्रेजेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. देन व्हाट वर द ड्रॉबैक्स. ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था वो इसलिए आता है क्योंकि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, उनको कैसे एड्रेस करता है पिट्स इंडिया एक्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अभी हम सिर्फ ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं. द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर. ठीक है, तो इसमें हम वीटो पावर की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल जिनको बना दिया गया है उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी, कोई भी सोल राइट नहीं था डिसीजन लेने का. ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे गवर्नर जनरल को अपोज करने का या स्टॉप करने का. इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी. ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन का इससे लेना देना ही नहीं था, बल्कि जो रेवेन्यू पे कर रही थी वो बेसिकली इंडियन सब्जेक्ट्स ही पे कर रहे थे. फाइन, इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग कंपनी ऑफिशियल्स. द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, तो इसमें एक चीज़ थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी कितनी पावर होगी, किस बाउंड्री पे पावर उनकी रुकेगी या ख़त्म होगी, ये नहीं लिखा. लाइक देयर वॉज नथिंग रिटन इन दिस एक्ट. सो दिस सिस्टम प्रूव्ड टू बी इनइफेक्टिव एज देयर वॉज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंट बाय गवर्नर जनरल. ठीक है, अब गवर्नर जनरल ने जो भी रिपोर्ट भेज दी है अब उसको स्टडी कौन करेगा, उसको एनालाइज कौन करेगा, फिर उसके रिगार्डिंग ये मेजर्स आएंगे ना, अब उसको पढ़ने के लिए ही कोई नहीं था तो ये कैसे इफेक्टिव प्रूव हो सकता था. ठीक है, तो ये जो अकाउंट की रिपोर्ट थी वो भी जो रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ या फिर जितने भी अफेयर्स होते थे रिगार्डिंग रेवेन्यू या कॉमर्स, तो वो सारे जो अकाउंट की रिपोर्ट होती थी वो 6 महीने में एक बार ट्रेजरी को सबमिट करनी पड़ती थी. ठीक है, तो काफ़ी कोशिश की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो एंटर करे इंडिया के अफेयर्स में. ठीक है, तो दिस वॉज वन ऑफ दो स्टेप्स. अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्रिटिश राज एग्जैक्टली आया कैसे. ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे एंट्री की, कैसे उन्होंने सिस्टम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और क्या क्या इम्पैक्ट्स थे इंडिया पर उसके. ठीक है, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, सो यू नीड टू जस्ट कीप दिस इन माइंड. ओके, इफ़ यू फॉरगेट यू कैन जस्ट रिवाइज इट वंस. मैंने आपको बताया कि बंगाल में कैसे बंगाल फैमिन की वजह से, बंगाल में जो मिस गवर्नेंस था उसकी वजह से और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स के बीच करप्शन और नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा था और जो कंपनी थी वो बैंकरप्सी के स्टेट में जा चुकी थी. तो उससे ये सब जब बातें पता चली ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि उनको इंक्वायर करना चाहिए. तो वो इंडिया पे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कुछ रेगुलेशंस लगा दिए. ठीक है, रेगुलेशंस हमने पढ़े कि जो प्राइवेट ट्रेड हैं वो नहीं कर सकते. ठीक है, एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बन गई थी जिसमें एक मेन होता था, बाकी चार उनके सबॉर्डिनेट होते थे. ठीक है, और कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस लग गए थे. सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करने के लिए ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और कुछ डिफेक्ट्स भी थे. डिफेक्ट्स इनइफेक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव कर पाया ये खुद को. तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट, जो इसी का एक तरीके से बोले अमेंडमेंट था. ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. थैंक यू.